हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। ओपीएस मैथ्स क्लासेस में आपका वेलकम। चैप्टर फिफ्थ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्लास टेंथ, शॉर्ट फॉर्म इसकी एपी, एपी भी कहते हैं। जनरल एपी क्या होती है? ए कोमा ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, डॉट डॉट डॉट। फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस टू डी और फोर्थ टर्म ए प्लस थ्री डी। एक डी कम हो जाता है, एन माइनस वन। आपसे पूछा जाए एट्थ टर्म, आपका आंसर होगा ए प्लस सेवन डी। ए फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस। जनरल टर्म या एन एच टर्म, जनरल टर्म को एन एच टर्म भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। एन यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स होता है। सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है तो एक फॉर्मूला लगेगा एस एन इजिकल टू एन बाई टू इन टू बड़ा ब्रैकेट टू ए प्लस छोटा ब्रैकेट एन माइनस वन डी बड़ा ब्रैकेट वन। जब लास्ट टर्म ए एन दिया हो तो हम ए फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, एस एन इजिकल टू एन बाई टू इन टू ए प्लस ए एन। एक्सरसाइज 5.3। ए एन को कोई एल भी लिख देता है लास्ट टर्म बोलते हैं इसे। एन ए एन से भी डिनोट करते हैं लास्ट टर्म को, बाई एन से भी, टी एन से, किसी भी डिनोट। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में फर्स्ट टर्म ए 5 दिया है, लास्ट टर्म ए एन 45 दिया है, सम एस एन 400 दिया है, नंबर ऑफ टर्म्स एन निकालना है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स एन निकालना है। तो इसमें अगर आपको पढ़ना है क्वेश्चन को तो ये पढ़ सकते हो, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज 5, द लास्ट टर्म 45 एंड द सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस भी क्वेश्चन मार्क है। कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं? डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? डी से। तो अब आप यहाँ से देखिए कि हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे। आप ये शॉर्ट वाला फॉर्मूला लगा दो, शॉर्ट फार्मूला। शॉर्ट फार्मूला, शॉर्ट फार्मूला क्या है? एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इन टू ए प्लस ए एन। ये शॉर्ट फार्मूला है, ये शॉर्ट फार्मूला है। एस एन क्या है? सम, सम ऑफ एन टर्म। एस एन की जगह क्या पुट करेंगे? 400। एन अननोन है, ए गिवन है। ए कितना दिया हुआ है आपको? फर्स्ट टर्म 5। ए एन कितना है आपका? लास्ट टर्म, लास्ट टर्म को ए एन भी बोलते हैं या एन एस टर्म, 45। तो यहाँ पर आपने 400 लिख देना है, एन बाई टू, 45 प्लस 5 50 आ जाएगा। ये इससे कट के कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। अभी आपका 400 400 400 और ए एन इंटू 25, तो यहाँ एन से मल्टीप्लाई हो रहा है 25, नीचे आकर के इसे डिवाइड कर देंगे तो 25 आ गया। डायरेक्ट भी कट कर सकते हो, डायरेक्ट भी कट कर सकते हो, डायरेक्ट भी कट कर सकते हो और वैसे भी कट कर सकते हो। 5 5 जा और 5 8 जा 40, ये यहाँ कट गया। अब यहाँ से 5 से काटेंगे तो 16 आ जाएगा, तो 16 एन, तो नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स 16। एक आंसर तो आपका ये आ गया, ये जो आपका आंसर है ना एन, एन निकालना था ना, तो एन आपका आ चुका है, ये एक फर्स्ट आंसर। अब हमें इसमें क्या चाहिए? कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस हमें इसमें चाहिए डी। तो दो फार्मूला हैं, या तो आप इसी से निकाल दो, यहाँ से ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। ए एन लास्ट टर्म, ए आपको ए एन लास्ट टर्म दिया है 45, ए 5 दिया है, एन जस्ट आपने कैलकुलेट किया है 16, एन की जगह 16 माइनस वन, कॉमन डिफरेंस डी अननोन है, निकालना है 45, 5 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 16 में से बन जाएगा तो 15 इन टू डी, 45 में से 5 जाएगा तो 40 और ये 15 इन टू डी। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे आकर के ये डिवाइड, तो एक डी। अब इसे 5 से कट कर दो,
फाइव से कट करोगे तो 5 8 जा 40, 5 3 जा 15, तो 8 बाई 3 डी, कॉमन डिफरेंस डी कितना आ गया 8 बाई 3, एन कितना आ गया था 16। तो ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका आंसर आ गया। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिक्स्थ है। तो सिक्स्थ क्वेश्चन आपका क्या है, सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 17 दिए, फर्स्ट टर्म 17 है, लास्ट टर्म, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, लास्ट टर्म आपका ए एन आपका 350 गिवन रेस्पेक्टिवली। इफ द कॉमन डिफरेंस डी होता है 9 दिया है, हाउ मैनी टर्म्स, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है एन, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज द देयर सम, और उनका सम भी निकालना है, सम, तो सम का मतलब एस एन निकालना है, ए क्वेश्चन मार्क। तो आपका ये पूरा क्वेश्चन है, अगर पढ़ना चाहो तो देख लो। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी आर 17 एंड 350 रेस्पेक्टिवली। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मैनी टर्म्स दे आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, उनका सम भी निकालना है। तो प्लस एन माइनस वन इन टू टू ए एन इज इक्वल टू 350, ए कितना है 17, प्लस एन क्वेश्चन मार्क है, डी पता है इंटू 9, तो ए 350 और ए 17, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट खोल दो, 9n-9, तो 350। अब 17 में से 9 जाएगा, 17 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा बोलो, 8 आ गया प्लस 9n, तो 350। अब 8 को इधर ले आओ, 8 को इधर ले आओ, माइनस का आ गया ये 9n, 350 में से 8 जाएगा तो 342, ये 9n, 342, तो 9 नीचे आ जाएगा, यह मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 342, तो 342 को आप डिवाइड करेंगे, तो जैसे आप डिवाइड कर भी सकते हो, 342 को 9 से डिवाइड कर दो, 9 9, यहाँ पर 342 को 9 3 जा 27, तो यहाँ माइनस करो, तो 14 में से 7 जाएगा, 7 1 यहाँ से ले लिया था, 2 में से 2 गया, कुछ नहीं, यहाँ पर 2 ब्रिंग डाउन करो, 9 8 जा 72, ये 0 आ गया, तो इसे कटने से 38, तो आपका आपका यहाँ पर 38 n इज इक्वल टू 38, आपका ये आंसर तो आ गया, कौन सा आ गया n। अब हमें इसका सम निकालना है, तो हम मूव करेंगे नेक्स्ट पेज की तरफ। तो नेक्स्ट पेज की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इसमें आप देखिए कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करेंगे, तो इसमें आप सम निकालना है, तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इन टू ए प्लस ए एन, सम निकालना है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इन टू ए प्लस ए एन, एस एन, एन अभी आपने कैलकुलेट किया था, एन कितना आया था 38 अपॉन 2 इन टू ए, ए फर्स्ट टर्म कितना था आपका 17 था फर्स्ट टर्म, और ए एन लास्ट टर्म 350 था, तो 350 लिख दीजिए यहाँ पर, 2 से इसे कट करिए 38 को, 19 आ जाएगा, 19 आ गया, और 17 350 और 17 को प्लस करो, 7 और 0 7 आ गया, 5 1 6 आ गया, 367 आ गया। अब इसका 19 का 367 से मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करो, इसका कितना आता है 6973, इसे लिखेंगे 6
ये जो सम आया है वो कितने टर्म्स का सम आया है, S38, S38, तो ये आपका सम आ गया, तो आपका ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ये दूसरा आंसर है, पहला आंसर n निकालना था 38, वो भी कैलकुलेट कर लिया, a भी कैलकुलेट कर लिया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आपका ये वीडियो दो क्वेश्चन इसमें बन गए, कौन कौन से दो क्वेश्चन हो गए आपके इसमें, 5th एंड 6th। अगर आपको वीडियो समझ में आता है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गॉड, जय हिंद जय।